अभी देखिए ये बाज घुस गया तो मैं अभी रायरूर हॉर्न दीजिए और फास्ट ओवरटेक मत कीजिए उनको। दोस्तों आप ये टेक्निक फॉलो कीजिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। दोस्तों आप नए ड्राइवर है, आप एक्सपीरियंस ड्राइवर है, इट डजंट मैटर। लेफ्ट साइड में जो टैक्सी चल रहा है देखिए, वो अपना लेन छोड़ के ओवरटेक किया। तो भाई साहब, यहाँ पर राइट साइड जाने वाला व्हीकल्स क्यू में खड़े हैं और लेफ्ट साइड में भी मुझे जगह नहीं मिल रहा है। चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। ओके, तो फाइनली मैं हाँ यहाँ से निकल गया। आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है इधर का। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी मैं एक सिग्नल में खड़ा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ट्रैफिक में कार कैसे चलाएं। अगर आप नए नए ड्राइविंग करना सीख रहे हैं तो हो सकता है ट्रैफिक में कार चलाने के बारे में आपको उतना आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए तो आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा ट्रैफिक में कार कैसे चलाएं। तो दोस्तों अभी इस टाइप का रोड में मैं लेन फॉलो करके ड्राइविंग कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में जो टैक्सी चल रहा है देखिए, वो अपना लेन छोड़ के ओवरटेक किया लेफ्ट साइड का जो छोटा हाथी था उनको। तो मैंने तब क्या किया, मैंने गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन कर लिया ताकि सामने का जो टैक्सी वो प्रॉपरली उनको ओवरटेक कर सके। तो अभी देखिए मेरे सामने और एक स्लो व्हीकल चल रहे हैं, वाइट कलर का टैक्सी, तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। देखिए अभी इन लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया और मैं भी तुरंत उसी टाइम में ब्रेक अप्लाई किया। तो मुझे कैसे पता चला दोस्तों, मैंने देखा उनका बैक लाइट ऑन हो गया। तो देखिए अभी उनके साथ मेरा डिस्टेंस कम हो गया, तो मैं क्या किया, गाड़ी का गियर डाउन शिफ्ट कर लिया। तो डिस्टेंस जितना कम होते जाते हैं दोस्तों, आपको गाड़ी का गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, हायर गियर में अगर आप क्लोज डिस्टेंस में गाड़ी चलाओगे तो आपका ब्रेक ठीक से अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हायर गियर में दोस्तों इंजन ब्रेकिंग अच्छी तरह से काम नहीं करता है। ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में दोस्तों हमेशा लोअर गियर यूज़ कीजिए। देखिए अभी मैं एक नंबर गियर में डाल दिया। तो लेट सी, यहाँ पर कट टू कट ट्रैफिक है, सामने लग रहा है सिग्नल रेड है अभी। ओके, तो ठीक है अभी आगे चल रहा है। तो देखिए मैं सामने का गाड़ी से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। कैसे मुझे पता चल रहा है मैं सेफ डिस्टेंस में हूँ, देखिए इनका नंबर प्लेट अभी मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्राइविंग करता हूँ ताकि सामने का गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो मुझे ठीक से दिखाई दे। ये नंबर प्लेट और बैक लाइट ये दोस्तों करीब एक लेवल में है, सामने का गाड़ी जो है वो एक डिज़ायर है। तो कभी कभी नंबर प्लेट नीचे की तरफ होता है, कभी कभी बैक लाइट नीचे की तरफ होता है। तो जो भी चीज़ बैक लाइट या नंबर प्लेट जो भी चीज़ नीचे की तरफ होता है मैं उसे फॉलो करता हूँ, और मेरा व्यू से अगर वो बाहर चले जाता है, इसका मतलब डैशबोर्ड का एज से अगर नंबर प्लेट या बैक लाइट नीचे चले जाता है, तब मुझे गाड़ी को फुल स्टॉप करना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज दैट इज अनसेफ डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं मैं एक नंबर गियर में लगातार यहाँ पर क्रॉल कर रहा हूँ। तो ये टिपिकली बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग है दोस्तों, तो ट्रैफिक में इस तरह का ड्राइविंग आपको करना पड़ सकता है, और तब दोस्तों आप ये टेक्निक फॉलो कीजिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। दोस्तों आप नए ड्राइवर है, आप एक्सपीरियंस ड्राइवर है, इट डजंट मैटर, आप इस टेक्निक को बिल्कुल फॉलो कीजिए। देखिए एक नंबर गियर में मैंने डाल दिया, थोड़ा रेप मैचिंग में करता हूँ दोस्तों, मुझे रेप मैचिंग करने का आदत है क्योंकि इसमें बहुत ही स्मूथ डाउन शिफ्टिंग होता है। तो रेप मैचिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं और एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं रेप मैचिंग को एक्सप्लेन किया। अभी देखिए यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा खाली हो गया, तो मैं यहाँ पर लेन फॉलो कर रहा हूँ। राइट साइड में मैं नहीं गया क्योंकि राइट साइड में गाड़ी राइट टर्न लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्कूटी भाई साहब मिडिल का लेन में आ गया। तो इस टाइप का स्कूटी को अगर आप बाय एनी रीज़न लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं, स्कूटी या बाइक, उनको ज़रूर हॉर्न दीजिए और
फास्ट ओवरटेक मत कीजिए, उनको पहले समझने दीजिए आप उनका लेफ्ट साइड में हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो टू व्हीलर को ओवरटेक करने से दोस्तों, टू व्हीलर को ओवरटेक करने से पहले दोस्तों थोड़ा उनको समझने दीजिए आप उनके पीछे हैं और ओवरटेक करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पर और एक सिग्नल है, बट मेरा सामने का सिग्नल अभी ओपन है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों लेफ्ट साइड में एक लेन है, उस वहाँ पर जाऊँगा। तो मैंने लेफ्ट इंडिकेटर अभी देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया, लेफ्ट मिरर चेक किया, एक बाइक था तो उनको मैं पास कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी घुसूँगा, ये रोड थोड़ा ख़राब है और मैं यहाँ पर बहुत ही स्लो ड्राइविंग कर रहा हूँ, देख के चला रहा हूँ गाड़ी। यहाँ पर ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, हर किसी का पब्लिक व्हीकल का स्टैंड है यहाँ पर, लोग कार भी पार्क करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी ऑपोजिट साइड से बस इस रोड में घुस जाते हैं, तब उनको साइड देना पड़ता है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बट इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। अभी देखिए ये बस घुस गया, तो मैं अभी राइट साइड में जाऊंगा। ठीक है, बस को टर्निंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए। अभी देखिए वो टर्न लेगी, यहाँ पर नोटिस कीजिए, मैं पीछे गाड़ी को लिया, थोड़ा राइट साइड में दबा के मैंने गाड़ी को खड़ा किया, देख लिया कितना आसानी से बस निकल गया। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आप किधर जाएंगे तो बस को ठीक से जगह मिल जाएगा, क्योंकि बस बड़ी व्हीकल है तो उनको थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।